बम। मौसम बदल चुका है, बारिश होने ही वाला है दोस्तों। और बम हम लोग अभी केवल 3 बचे हैं, बाकी के हम लोग के ग्रुप सब आगे निकल चुके हैं। बम हम लोग को छोड़ कर चल देते हैं, हम ही लोग पीछे रह जाते हैं। बम देखते अब क्या होता है हम लोग के साथ। एकदम भयानक जंगल है दोनों ओर, जंगल बहुत खाई है। ये जो दतवन है यही झाड़ी कटोरे हैं, तोड़ उड़ के अभी कर रहे हैं हम लोग। अब तुम्हें बतलाया आप लोगों को जो पीछे दिख रहा है पीला और सफेद, उसी हॉस्टल में हम लोग रुके थे। यास का ब्लॉग अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। और इधर जो पहाड़ है मेरे आगे देख सकते हैं, इसी पहाड़ में हम लोग को भी जाना है। एक दिन अब एक रात सफर हो चुका है, आज का दिन भर का बचा है। वीडियो पर रहिएगा, अभी हम लोग दतवन करने जा रहे हैं, अभी नहाएंगे यहीं पर। एक बार मिलेंगे, देखिए कैसे गाड़ी भी एकदम स्पीड में आ रहा है, स्पीड में चलते हुए जा रहा है, ये नहीं कि थोड़ा धीरे हो जाए। और इधर पहुंच चुका है, देखिए नहा रहा है वो, अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग भी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पीछे, इसी में हम लोग कभी नहाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं फोटोशूट का काम हो रहा है, फोटोशूट कर रहे हैं सब। बोलबम बोलबम, वीडियो पे रहिएगा। नहीं नहाना है कल, फ्रंट कैमरा कैसे करेंगे सर बम? अरे नहीं बम, मैं अपना कैसे लूंगा तुम? देख रहे हैं दोस्त, बहुत अच्छा नज़ारा है, नहाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन एक मित्र है वो बहुत कल से कल अलाव नहीं हुआ है उनका, नहीं वैसे नहीं पता, वीडियो बन रहा है ना, कल का नहीं पहुँचा हमारे। साबुन उबुन किसी को चाहिए दोस्तों? नजारा लेके उधर हरियाली का, इधर देखिए सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुखा पा रहे हैं। अरे वही दोस्तों, नहीं आए अब बैक कैमरा तो करिए, बैक कैमरा कैसे होगा? तो मैं कैसे कैसे लूंगा नहीं यार, अंदर घुस के अपमान कैसे करूंगा? सब बम लोग मेरा इसी बम। अभी हम लोग नहा चुके हैं यहाँ, सब बम लोग नहा धोवा के फ्रेश हो चुके हैं। अब एक अभी तक वहाँ अभी फ्रेश हो रहा है, नहा रहा है, और बाकी लोग हॉस्टल पर सब तैयारी कर रहे हैं हम लोग को। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ, नाश्ता वास्ता करेंगे, थोड़ा इधर भी फिर बोल बम के लिए खिलेंगे। बोल आज दिन भर का सफर है, इसे एक रात और एक दिन का सफर पूरा हो चुका है, एक दिन का और है। तो वीडियो पर रहिएगा और देखते हैं कि अब रास्ता में क्या क्या कठिनाई आता है और क्या क्या नहीं, क्योंकि आगे दोस्तों में जंगल एकदम भयानक जंगल है, और जंगल में सब रहता है दोस्तों। ठीक है, पहुँच चुके हैं, चाय पी रहे हैं, हॉस्टल पहुंच चुके हैं, चाय मिला है गर्मा गर्म, तो ये पिएंगे बम। यहाँ से निकलेंगे, इधर देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, यही हम लोग रुके थे। बोल बम 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 पाँच पाँच कर दो। बम दोस्तों, आज का सफर हम लोग का शुरू हो चुका है,
अभी सुबह का 8 बज रहा है, आज भी दिन भर का सफर है हम लोग का। एक दिन हो चुका है, मैं तो पहले बता दिया हूँ आप लोग को। अभी देख सकते हैं इधर पहाड़ पत्थर, पूरा पत्थर और सब, जितने बम है सब खाली पैर जाते हैं, हम लोग खाली पैर चल रहे हैं। देखिए इधर पूरा चल रहे हैं, बोल बम उधर पैदल 3 दिन का यात्रा है दोस्तों। अब देखिए कि रास्ते में कितना कितना परेशानी और कितना कष्ट मिलता है, लेकिन बोलबम के बाबा के द्वार पे जाना जरूरी है। बम देख सकते हैं, चलते हैं और बीच बीच में आप लोगों को मैं दिखलाते चलूंगा। उधर बम लोग अपना गाना गाते चल रहे हैं, एंजॉय करते चल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और मस्त बादल भी है बेहतरीन। अब वीडियो अच्छा लगा बम तो कमेंट में बोल बम जरूर लिखिएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के बाद फिर जो हम लोग जा रहे हैं कैलाश गुफा, वहां का भी पूरा वीडियो आएगा, मंदिर का, गुफा का, तो वीडियो में बने रहिएगा, उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बोल बम मिलते हैं फिर आगे बोल बम। अभी हम लोग दोस्तों आधे दूर पहुंच गए हैं, पहाड़ सामने पहाड़ नजर आ रहा होगा, इसी पहाड़ को भी ऊपर चढ़ते हुए जाना है। एकदम भयानक जंगल है और इसमें बहुत सा जंगली जानवर भी हैं, तो अगर नसीब में होगा देखने का तो मिलेगा, जैसे कि हाथी और भालू, ये तो नहीं है यहाँ, तो अगर होगा तो आप लोगों को जरूर मैं दिखलाऊंगा। अभी एक चीज़ और आप लोग जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ में फेमस है नक्सलाइट, वो भी मिल सकते हैं, तो हम लोग को बम लोग को तो कुछ नहीं करेंगे, वो लोग मिल भी जाएंगे तो वीडियो पे बने रहिएगा। सामने जो नजर आ रहा है पहाड़, इसी में से हम लोग को जाना है, तो अभी थोड़ा यहाँ फिर रुकेंगे। अभी 11 बज रहा है टाइम का, 9 बजे हम लोग 8-9 बजे करीब निकले थे, 1.5 घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर अभी नाश्ता पानी करके फिर इसी पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है। तो नसीब में होगा दोस्तों तो यहाँ का जंगली हाथी जो है और जंगली भालू आप लोगों को जरूर दिखेगा, वीडियो पे बने रहिएगा। देखो बम बहुत ही हालत खराब हो गया है बम का, चलने में बहुत ही ज्यादा, और इधर भी एक बम, वो आपका जीतू दोस्तों आगे बने रहिए, जीतू बम तो है ही है वीडियोग्राफर, और एक बम इधर, और इधर देखिए पूरा मौसम भी काला, पानी आने वाला है, हम लोग भी काले और ऊपर के साथ साथ मौसम भी काला, चारों तरफ मस्त नजारा, हरियाला, पहाड़ी इलाका। बम पीछे आने वाला बम का बहुत ही हालत खराब है, चल नहीं पा रहा है, तो हमारे बम लोग देखे इधर सब आगे जा चुके हैं, तीन लोग केवल हम लोग बचे हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग शुरू से ही केवल तीन लोग बच जाते हैं लास्ट में, और सब लोग आगे आगे चल देते हैं। और एकदम चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, एकदम खूबसूरत देख सकते हैं, हम ही लोग पीछे रह जाते हैं। बम वीडियो पे रहिएगा, देखिएगा, बने रहिएगा, कोशिश कर रहे हैं चलने का। और रोड तो देख ही सकते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर, पूरा ऐसा लग रहा है कि पत्थरों का यहाँ फूल टाइप से बिछा दिए हैं इस टाइप से। बम मौसम बदल चुका है, बारिश होने ही वाला है दोस्तों, और बम हम लोग अभी केवल 3 बचे हैं, और बाकी के हम लोग के ग्रुप सब आगे निकल चुके हैं, बम हम लोग को छोड़ कर चल देते हैं, हम वही लोग पीछे रह जाते हैं। बम देखते अब क्या होता है हम लोग के साथ, एकदम भयानक जंगल है दोनों ओर, जंगल बहुत खाई है, हम लोग चल रहे हैं, बाबा नगर या दूर है मगर जाना जरूर है, लेकिन बस ये बात है कि 3 बम को छोड़ना नहीं चाहिए पीछे, क्योंकि जंगल में जान रहे कुछ भी हो सकता है, बम चारों तरफ जंगली जानवर किधर से भी आ सकता है, तो आप लोग देखिए बम कुछ भी हो सकता है। बोल बम अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बोल बम हर हर भोलेनाथ, हर हर शंभू, कुछ भी आपकी मर्जी हो
जरूर लिखिएगा बोल बम। देखिए देखिए चारों तरफ घना जंगल, चारों तरफ घना जंगल, एक बम पीछे एक बम आगे और एक में बम कैमरा में बम, बाकी पूरा हमारे ग्रुप सब आगे चल चुके हैं। वीडियो में बने रहिए, अब देखते हैं कहां तक लोग पहुंचे हैं, कहां तक आगे गए हैं, हम लोग को मिल पाते हैं या नहीं, वीडियो पे बने रहिएगा। हेलो बम, हम लोग अभी रास्ता भटक चुके हैं, हम लोग अभी इधर से आ रहे हैं और एक इधर है अब एक इधर है, और हमारे टीम लोग जितना बम है सब तो चले गए, अब हम लोग को इधर जाना है या फिर इधर जाना है कोई पता नहीं है, अब देखते हैं इधर जाके देखते हैं कि आगे सही रास्ता में है कि नहीं है। वीडियो पे रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। इसी में चल रहे हैं पगडंडी में, अब क्या पता सही है या नहीं, सही है लग तो रहा है कि यही है, तो अभी फिर आगे जाने के बाद फिर एक नया रास्ता फिर से आ गया इधर या फिर इधर, इधर तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता नहीं है, इधर भी लग रहा है कि अब बिल्कुल बुरी तरह से हम लोग फंस चुके हैं, अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पीछे जाएंगे तो 10 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा हम लोग को, तो चारों तरफ जंगल बीच में हम लोग फंस चुके हैं, अब देखते हैं अब क्या होता है। इसी पत्थर वाले पगडंडी में जाते हैं, अब देखते हैं कैसा है क्या है, वीडियो पे रहिएगा। वो हम लोग पूछे भी थे तो बताया कि इसी में जाना है, अब देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं बम मेरे पीछे, जंगली घोड़ा, ये जंगल में आप देख सकते हैं जंगली घोड़ा घूम रहा है, और ये कैलाश गुफा, जो गुफा के अंदर शिवलिंग, इसका पूरा वीडियो में कल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसका दूसरे भाग में पूरा गुफा का मंदिर का वीडियो आप लोगों के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बोल बम।